नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल Explore the Knowledge TV में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे HTML में स्कूल टाइम टेबल क्रिएट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए आपने इस तरह का एक टेबल क्रिएट करना है। इस टेबल में 7 रोज़ हैं और 8 कॉलम्स हैं, साथ ही कुछ रोज़ और कॉलम्स को मर्ज भी किया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस तरह का टेबल क्रिएट किया जाता है। नोटपैड ओपन कर लेते हैं। तो ये HTML का जो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है, इसको ऑलरेडी हमने इस ट्यूटोरियल के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है। तो फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो HTML में टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, HTML में जितने भी टैग ओपन होते हैं उन्हें क्लोज भी किया जाता है। तो इस टेबल टैग के अंदर ही हम कुछ HTML टैग का उपयोग करते हैं। तो टेबल में हर एक रो को क्रिएट करने के लिए TR टैग का यूज़ किया जाता है। TR टैग टेबल रो को रिप्रेजेंट करता है। टेबल हेडिंग के लिए TH टैग और टेबल में डाटा इंसर्ट करने के लिए TD टैग का यूज़ किया जाता है। तो जैसे इस टेबल पे 7 रोज हैं तो इसमें टोटल 7 TR टैग का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब फर्स्ट रो क्रिएट करने के लिए TR टैग को ओपन कर देते हैं और TR टैग के अंदर टेबल हेडिंग के लिए TH टैग का यूज़ करेंगे। तो पहला हेडिंग है पीरियड, तो TH टैग के अंदर लिखेंगे पीरियड और TH टैग को क्लोज कर देंगे। हर एक कॉलम हेडिंग के लिए नया TH टैग का यूज़ किया जाता है। तो अब TH टैग, दूसरा हेडिंग है टाइम और TH टैग को क्लोज कर देंगे। तो इसी तरह से अब टेबल के बाकी हेडिंग को भी ऐड करते जाएंगे। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। तो इस तरह से नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे, नेक्स्ट थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो अगर आपको ज़्यादा कॉलम वाला टेबल क्रिएट करना है तो आप और भी हेडिंग ऐड कर सकते हैं, नहीं तो TR टैग को यहीं पर ही क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट रो क्रिएट हो गया है और फाइल को सेव कर देते हैं। नाम दे देते हैं टाइम टेबल डॉट HTML, एक्सटेंशन जरूरी यूज़ करनी है .html। फाइल को रन कर देते हैं। ये देखिए टेबल का जो हमारा टाइम टेबल है, इसका फर्स्ट रो क्रिएट हो गया है टेबल हेडिंग वाला। तो थोड़ी सी क्लियरिटी के लिए हम इसको बॉर्डर एट्रीब्यूट की हेल्प से 1 pixel का बॉर्डर दे देते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा फर्स्ट रो क्रिएट हो गया है टेबल हेडिंग वाला। तो अब इसी तरह से हम टेबल का दूसरा रो क्रिएट करेंगे, जिसमें टेबल में डाटा इंसर्ट किया जाएगा TD टैग की हेल्प से। तो सेकंड रो के लिए TR टैग को ओपन कर देते हैं। अब इसमें जितने भी कॉलम्स हैं उसके लिए उतने ही TD टैग का इस्तेमाल किया जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम के लिए TD ओपन किया, इसमें वैल्यू फर्स्ट और TD को क्लोज कर दिया। इसी तरह से अब सेकंड TD में 10 to 11। तो इसी तरह से बाकियों के लिए भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर और इसके बाद इंग्लिश और लास्ट में है प्रोजेक्ट।
तो अब यहाँ पर जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे हैं, हर सैटरडे को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पीरियड में प्रोजेक्ट वर्क होता है और नेक्स्ट टू रोज को मर्ज किया है, यानी तीन सेल्स को एक सेल में मर्ज किया है। तो इसके लिए रोज पैन एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है और ये रोज पैन TD में यूज़ किया जाता है, और जितने रो को मर्ज करना हो उसकी वैल्यू लिख देते हैं, जैसे 3 इस तरह से। अब फाइल को सेव कर देते हैं, पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए दूसरा रो भी क्रिएट हो गया है, लेकिन इसमें अभी रो मर्ज होते हुए नहीं दिख रहे हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट रो क्रिएट करेंगे ये मर्ज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट रो के लिए मैं पूरा TR टैग कॉपी कर लेता हूँ, इसमें कुछ वैल्यूज को चेंज कर देते हैं, कोई भी इस तरह से। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि सैटरडे वाला कॉलम तो हमने ऑलरेडी मर्ज कर दिया है, तो यहाँ से लास्ट वाले TD को हटा देंगे, यानी कि एक TD कम कर देंगे इस तरह से। सेव कर देंगे, पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए दो सेल मर्ज हो गए हैं। अब इसी तरह से ही नेक्स्ट रो को भी इंसर्ट कर देते हैं। ये देखिए तीनों सेल मर्ज हो गए हैं इस तरह से। तो इस तरह से रोज पैन एट्रीब्यूट का यूज करके हम रोज को मर्ज कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट रो में आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक ही कॉलम है, यानी कि सभी कॉलम्स को मर्ज कर दिया है, यानी कि 8 के 8 कॉलम्स को मर्ज करके एक कॉलम बना दिया है। तो इसके लिए कॉल्स पैन एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। एक ही कॉलम है तो एक ही TD यूज होगा, और TD में कॉल स्पैन और इसकी वैल्यू 8, यानी कि 8 कॉलम्स को मर्ज करना है। और इसमें लिख देते हैं लंच ब्रेक, TD क्लोज और TR को भी क्लोज कर देंगे। ये देखिए इस तरह से 8 कॉलम्स मर्ज हो गए हैं। तो इस तरह से कॉल स्पैन एट्रीब्यूट की हेल्प से हम कॉलम्स को भी मर्ज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रो के लिए नया TR टैग। अब यहाँ पर सिर्फ 2 रोज को मर्ज करना है, तो वैल्यू में 2 लिख देंगे। अब नेक्स्ट रो के लिए अगेन TR टैग, वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए। ये देखिए हमारा पूरा टाइम टेबल क्रिएट हो गया है, 7 रोज और 8 कॉलम्स वाला। ये देखिए इसके बाद अगर आप टेबल की कुछ और सेटिंग करनी है, तो इसके लिए टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपने टेबल की विड्थ स्पेसिफाई करनी है, तो इसके लिए विड्थ एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। विड्थ को पिक्सल में लेते हैं तो 60%। ये देखिए टेबल की विड्थ चेंज होगी। अगर आपने टेबल के सेल के बीच में स्पेस देना है, तो उसके लिए सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। ये देखिए अगर आपने सेल बॉर्डर और उनके कंटेंट्स के बीच में स्पेस देना हो, तो इसके लिए सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। सेल पैडिंग इसको भी पिक्सल में लेते हैं, 10 पिक्सल। ये देखिए इस तरह से। और आप बीजी कलर एट्रीब्यूट की हेल्प से टेबल का बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं। बीजी कलर कलर जैसे ग्रे। ये देखिए और अलाइन एट्रीब्यूट की हेल्प से आप टेबल को लेफ्ट राइट और सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं। तो जैसे अगर टेबल को सेंटर अलाइन करना है, तो अलाइन सेंटर। ये देखिए टेबल आपका सेंटर में आ गया। और इसी तरह से अलाइन एट्रीब्यूट का यूज अगर आप TR टैग के अंदर करें, तो जो टेबल रो का डाटा है वो भी सेंटर में आ जाएगा। तो अलाइन एट्रीब्यूट की हेल्प से आप टेबल के डाटा को भी सेंटर अलाइन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।